1 by v to 1 by f, that was the last topic. ये हमने डिस्कस किया। आप इस फॉर्मूले को लगाते हुए क्या एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसमें कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? तीन। कौन है ये? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। आई थिंक लास्ट क्लास में साइन कन्वेंशन भी बताए थे मैंने, जिधर जाए काम की रेस उधर सब पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। और एक साइन कन्वेंशन ये भी था कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ये साइन कन्वेंशन हमने पढ़े थे। ऊपर प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये लास्ट क्लास में किया हमने, सही है? चलो एक बार सोल्व करके बताओ, यहां से एफ आ सकता है? एफ कितना आएगा? एलसीएम यू वी, यू प्लस वी, पलटेंगे आंसर कितना आएगा? यू वी बाय में यू प्लस वी। अगर मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाता हूं तो डेफिनेटली मेरे को एलसीएम लेने की तो जरूरत नहीं पड़ती। देखिए लास्ट क्लास में हमने ये फॉर्मूला किया था, हम यहां से एफ की वैल्यू निकाल रहे हैं, यू की वैल्यू निकाल रहे हैं और वी की वैल्यू निकाल रहे हैं। बोलो यू कितना आएगा? यू कितना आएगा? सोल्व कर लो, डायरेक्ट लिख देते हैं, वी एफ बाय में वी माइनस एफ। वी, वी कितना आएगा? यू एफ बाय में यू माइनस एफ। आई थिंक अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया कि साइन कन्वेंशन के साथ फॉर्मूले लगते हैं, बताया था। इसका मतलब ये फॉर्मूले भी किसके साथ लगाने हैं? साइन कन्वेंशन के साथ, सही है? इतना कैसे आया सोल्व करके, एक सोल्व करके दिखा देता हूँ। वन बाई व्यू इधर रखो, वन बाई एफ माइनस वन बाई वी, एलसीएम कितना आया? वी एफ वी माइनस एफ वन बाई यू। रिवर्स करो कितना आंसर आएगा? वी एफ बाय में वी माइनस एफ, सही है? तो तुम्हारे से क्या डिमांड है अभी? डिमांड ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला ऐसे ना लगा के ऐसे लगा लो, क्लियर है बात? इससे क्या होगा, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, कट पिट के आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हेडिंग लिखना लीनियर मैग्निफिकेशन, 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। ये दो तरीके, तीन तरीके का होता है। फर्स्ट, आवाज नहीं भाई प्लीज। सबसे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको कुछ लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, सही है? एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन या फिर एक्सियल मैग्निफिकेशन, एक्सियल मैग्निफिकेशन, डन। उसके बाद नेक्स्ट होता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। पहले तो इनमें डिफरेंस समझिए, बाद में फॉर्मूले देखेंगे। बोलो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? तुम्हारी इमेज कितनी मैग्निफाइड बनी है, इमेज कितनी बड़ी बनी, कितनी छोटी बनी। एक तरीके से देखा जाए, सबसे पहले इसको पढ़िए, इसको हमने किससे दिखाया? स्मॉल एम से। क्या फॉर्मूला लिखते हैं इसका बताओ? एम इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे मेन फॉर्मूला ये होता है। आपने ये लीनियर मैग्निफिकेशन देखा और लेकिन हाइट के हिसाब से देखा। बोलो हाइट एच ओ का कितना टाइम्स आ गई? हाइट इमेज की एच ओ का कितना टाइम्स आई? एम टाइम्स आई। तो लीनियर मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच ओ डिफाइन होता है, सही है? उसके बाद जहां तक अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, इसका डायग्राम, ये वही डायग्राम है जैसे आप ए बी यहां बनाते थे और ए डैश बी डैश यहां बनाते थे। ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज, जनरल एग्जांपल। इसमें क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल में आपका मिरर ये होगा और इसके सामने कोई चीज ऐसे होगी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे ये इमेज ऑब्जेक्ट खड़ा है और इमेज भी इसकी वर्टिकल बन रही है। तो हमने जो मैग्निफिकेशन देखी किसकी टर्म्स में देखी? हाइट की, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे क्या होगा? सोचो, अगर मैं इसकी इमेज यहाँ बना दूँ, क्या तुम्हें लग रहा है? अगर ये U1 पे है, ये U2 पे है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे। और इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे। क्लियर? तो तुमने क्या देखी इसकी लेंथ? बोलो इसकी लेंथ कितनी है? क्या U2 माइनस U1 नहीं है? और इसकी लेंथ कितनी है? ये सारी दूरियां कहां से लिखी गई है? सही है ना? पोल से। ये पोल से आप क्या देख रहे हो? अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेटा हुआ है, तो उस वक्त मैग्निफिकेशन कौन सी होती है? एक्सियल, यानी कि आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हो। बताओ इसका लेंथ कितना होगा? ऑब्वियसली V1 माइनस V2। तो जब आप ये एम लिखेंगे, एम एल लिखेंगे, एम एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल, सो दैट विल बी गिवन बाय, ये कितनी है लेंथ, कितनी है इमेज की, ऐसे लिख दूं, लेंथ ऑफ इमेज बाय में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एल की टर्म में जब लिखा जाता है तो कौन सी मैग्निफिकेशन होती है? और अगर हाइट की टर्म्स में लिखा जाए तो ट्रांसवर्स एम टी एम, आपकी मर्जी है जिससे भी दिखा सकते हो। ये देखो, इस चैप्टर में जो मेन मेन पार्ट है वो यही है। अगर आप लोगों को इनमें भी कंफ्यूजन रहती है तो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब देखो, खुद सोच के देखिए, आपको सिर्फ गिवन डाटा लिखना है कि वी दिया है, एफ दिया है, यू दिया है, एम दिया है, और ये फॉर्मूले लगाने हैं। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। आसान तो है बहुत। अभी क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे गलतियां सिर्फ साइन कन्वेंशंस की होती हैं। कौन नेगेटिव लेना है, कौन पॉजिटिव लेना है, क्या ये समझ में आया? एल आई बाई एल ओ यहाँ क्या आएगा बोलो? क्या V1 माइनस V2 मोड लगा दूं? क्या पता कोई V2 माइनस V1 लिख दे, डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। सही है? बोलो, चेंज इन इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज, ये देखो पहले वाली इमेज यहां बनी, दूसरे वाली यहां बनी, हमने इनका डिस्टेंस का गैप देखा, उसके अकॉर्डिंगली एम आ गया। क्या मैं इसको अगर छोटे के लिए लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? डी आ जाएगा। क्या इस एम एल को हम माइनस डीवी बाय में डीयू भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? माइनस फोर फोर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, 10th क्लास में ये फॉर्मूला किस किसने देखा है? एम इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू, देखा है? हम क्या लिखते थे? एच आई बाय एच ओ भी लिखते थे और माइनस वी बाय यू भी लिखते थे, और इन दोनों को कंपेयर करके क्या कर देते थे कि एच आई बाय एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू, ये पढ़ी थी तुमने 10th क्लास में। इसमें क्या नजर आया? इसमें कहेगा एक पेंसिल है, वो इतने लेंथ की है, वो मिरर से इतना दूर है, तो बताइए इसकी इमेज कितनी बड़ी बनेगी, कितनी लेंथ की इमेज बनेगी, ऐसा पूछेगा। तो दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल। अभी इनमें इनमें रिलेशन देखेंगे। अभी आप सिंपली इनके मीनिंग समझिए। ये लो सुपरफिशियल, इसको ना एरियल भी बोलते हैं, एरियल मैग्निफिकेशन। मीनिंग, जैसे मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सेस है, और मान लीजिए तुम्हारा यहाँ पे मिरर है, यहाँ मिरर है, आपने क्या किया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा ऐसा, क्या तुम्हें लग रहा है ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है? और ये इस तरीके से लिखा रखा गया है कि इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। मतलब आपने ये कुछ इस तरीके से रखा, इस तरीके से एक्सिस के अंदर से ऐसे पास हो रही है, दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। मैं मान लेता हूँ ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, क्या मैं मान लूँ इसकी विड्थ डब्ल्यू ओ है और इसकी हाइट एच ओ है, और मैंने मान लिया इसकी इमेज यहां बन गई, आया ना? क्या इसकी विड्थ कितनी मान लें? डब्ल्यू आई, ये क्या एच आई, सही? बोलो इसका एरिया कैसे लिखोगे? ये क्या है? एरियल। एरियल में हर फैक्टर में इमेज कहाँ आ रही है? ऊपर, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या आएगा? सुपरफिशियल में क्या आएगा? इधर एम ए बोल देते हैं, बोलो ए आई बाय में ए ओ, यानी कि एरिया ऑफ इमेज बाय में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? तो ये तीन मैग्निफिकेशन आपको देखने को मिलती है। डिफरेंस समझ में आ गया तीनों का? इसका नाम क्या है? ट्रांसवर्स। हमें क्या करना है?
इसको और इसको इसकी टर्म में लिखना है, जल्दी से उतारो इसको फटाफट। ये देखो, सबसे पहले इस लीनियर मैग्निफिकेशन को देखते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन में आपने डिफाइन कैसे किया इसको, बोलो। एम इक्वल्स टू एच आई बाय एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आवाज नहीं भाई। मान लीजिए ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ए बी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। एक रे पैरेलल भेजी, एक फोकस से भेजी। आपको याद हो तो हमने कैसे बनाया था, कहाँ से भेजी थी हमने? एक सी से, तो सी से वापस आ गई थी। इसका मतलब कहाँ बनी थी? यहाँ बनी थी, दैट इज ए डैश एंड बी डैश। कल वाली डेरिवेशन में मैंने कुछ ऐसा बोला कि ऑब्जेक्ट पी पे ट्रायंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट सी पे ट्रायंगल बना रहा है। दैट मीन्स अभी ऑब्जेक्ट की पी पे ट्रायंगल देखो, क्या पी पे ट्रायंगल ये बनेगी और इमेज पी पे ट्रायंगल ये बनाएगा? और कल हमने इन दोनों को क्या बोला था? सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी क्या है? दोनों सिमिलर हैं। बोलो ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। बोलो ए से लेके जो ये बी से लेके पी है, बी पी, ये क्या है? बी से पी यू और बी डैश पी वी। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं ए बी बाय ए डैश बी डैश, ये लिखा आगे, या फिर उल्टा लिख लो, ए डैश बी डैश बाय में ए बी, बी डैश पी बाय में बी पी, बोलो ये क्या है? अरे ए डैश बी डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बी डैश पी क्या है? साइन कन्वेंशन के साथ बोलो, अगर हाइट ऑफ इमेज देखें वो भी नीचे है ना, तो ये भी माइनस की लेनी पड़ेगी। उसके बाद बी डैश पी बोलो, बी डैश पी माइनस माइनस वी, ये क्या? माइनस यू, कट गए। बोलो एच आई बाय एच ओ, जिसको तुमने क्या बोला था एम, क्या ये माइनस वी बाय यू के बराबर आया कि नहीं आया? ये यहां से आता है सिमिलर ट्रायंगल करके। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसमें कौन है? एमएल। क्या माइनस ए, इसको लिखना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में सबसे मेन फॉर्मूला क्या था? एम इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन बाय में यू वन माइनस यू टू, आपकी मर्जी है, यू टू माइनस यू वन भी लिख लो, सही है मोड। ये फॉर्मूला था। मैंने स्मॉल के लिए क्या लिखा? ये मैंने प्लस लगाया क्योंकि मोड लगाया, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये ऐसा है ना। तो अभी एमएल जो हम देखते हैं इसका ये चेंज है, चेंज तो माइनस डीवी बाय में डीयू, हाँ या ना? दैट इज डिफाइंड बाय माइनस डीवी बाय डीयू। ध्यान से देखना मेडिकल स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला क्या है भाई? मिरर फॉर्मूला वन बाय वी प्लस वन बाय यू इक्वल्स टू वन बाय एफ। तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या फिक्स है? एफ, ये तो कभी चेंज होगा नहीं, ये तो चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन करूं, बोलो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? माइनस वन बाय वी स्क्वायर। क्यों? वी की पावर माइनस वन का, माइनस वन आगे आ गया, एक पावर कम हो गई, तो माइनस वन बाय वी स्क्वायर। लेकिन साथ में क्या है? डी वी। इसका कितना आएगा? माइनस वन बाय यू स्क्वायर, साथ में क्या है? डी यू। इसका कितना हो गया? जीरो। मुझे क्या चाहिए? माइनस डी वी बाय डी यू। बोलो माइनस डी वी बाय में डी यू। क्यों, कैसे आएगा? माइनस डी वी बाय में ये क्या था? वी स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाय यू स्क्वायर साथ में डी यू। अब सोल्व करो, माइनस डी वी बाय में डी यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर। ये जो वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर है, क्या मैं वी बाय यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? ये माइनस वी बाय यू का भी यही आएगा कि नहीं आएगा? वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ये क्या लिख रहे हैं हम? एम एल, ये एम एल लिखा, ये क्या आया? वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर क्या बनेगा? ये रहा एम। एम कितना था? माइनस वी बाय यू, इसका स्क्वायर करना
वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो क्या मैं इसको सीधा एम स्क्वायर लिख दूं? इसका मतलब एक बात क्लियर है, अगर तुम्हारे पास ये लीनियर मैग्निफिकेशन है तो लॉन्गिट्यूडनल वाली तो अपने आप ही आ गई, क्या करके स्क्वायर करके, तो एक रिलेशन यहाँ पे ये निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन है, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल को क्या बोला हमने, एरियल, एरियल मैग्निफिकेशन। कोई बता सकता है कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन को? हाँ जी, डिफाइन कैसे करते थे, एम ए इज गिवन बाय ए आई बाय में ए ओ। अभी जो हमने डायग्राम माना था कुछ ऐसा माना था, इसमें ये क्या लिया था मैंने, मान लीजिए ये इमेज बन गई, इसकी बन गई, उल्टा मान लो चाहे, ये क्या बन गया इमेज, विड्थ ऑफ इमेज, ये क्या है हाइट ऑफ इमेज, ये क्या था विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा लिखा हमने। बोलो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसके हिसाब से, एम इक्वल्स टू ए आई, बोलो लेंथ इन टू, लेंथ इन टू ब्रेथ, लेंथ इन टू ब्रेथ मतलब ए आई का लेंथ इन टू ब्रेथ, एच आई इन टू डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय एच ओ वाई में इन टू में डब्ल्यू ओ। इसको पढ़ा है तुमने, क्या होता है ये एच आई बाई एच ओ, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आई बाई डब्ल्यू ओ को क्या लिख सकते हो, एम स्क्वेयर आ सकता है इसमें? देखो बोलो एच आई बाई एच ओ क्या लिखा था हमने, एम, एम ए इक्वल्स टू दैट इज एम डब्ल्यू आई बाई में डब्ल्यू ओ। डब्ल्यू आई बाई डब्ल्यू ओ कैसे लिखोगे बताओ मुझे, इसमें रिलेशन क्या निकालना है, एम स्क्वायर का, एम स्क्वायर टाइम्स एरिया ऑफ इमेज, डब्ल्यू आई का क्या लिखे यहाँ से बताओ, एम इक्वल्स टू क्या डब्ल्यू आई बाय में डब्ल्यू ओ लिख सकते हैं, ये कितना आएगा डब्ल्यू आई इक्वल्स टू एम डब्ल्यू ओ, ये आएगा, क्या भरें इसको, ये तो एम स्क्वायर बन जाएगा ना, क्या पुट कर सकते हैं डब्ल्यू आई बाई डब्ल्यू ओ को हम, एक बार पोज करो इसको, आई बाई ए ओ, इधर क्या चल रहा है एम, डब्ल्यू आई बाई डब्ल्यू ओ को क्या लिखा हमने एम डब्ल्यू ओ, तो यहाँ से एम डब्ल्यू ओ डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ओ कैंसिल हो गया, इसका मतलब एरिया ऑफ इमेज एम स्क्वायर टाइम्स एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। दैट मीन्स अगर मुझे एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर है, अब स्क्वायर की साइड दी इसने 4, तो एरिया कितना हुआ 16, क्या हुआ 16, लेकिन मुझे एरिया किसका निकालना है, इमेज का, ये बात समझ में आई, ये मैग्निफिकेशन हम इसकी भी तो देख सकते हैं, ये देखी थी ना एल आई बाई एल ओ, अरे ये वाली हमने क्या ली थी, चौड़ाई नहीं ली थी, यहाँ पे क्या लिखा था इसको एल आई बाई एल ओ, लेंथ ऑफ इमेज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इतना लंबा है ना ऐसे, तो ये डब्ल्यू आई बाई मतलब उस एल आई को मैंने अभी क्या मान लिया विड्थ, डब्ल्यू ओ, डब्ल्यू आई कितना आ रहा है एम टाइम्स डब्ल्यू ओ, फॉर्मूले में पुट किया हमने, सोल्व करके क्या क्या दिख रहा है, एम स्क्वायर टाइम्स ए ओ दिख रहा है, मतलब इमेज का एरिया एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट से एम स्क्वायर टाइम्स आता है, रिलेशन समझ में आए, यहाँ कितना आया एम स्क्वायर, एम एल कितना आ रहा है एम स्क्वायर, लीनियर का स्क्वायर कर दो लॉन्गिट्यूडनल आ जाता है, एम का स्क्वायर कर दो उसको एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाता है एरिया ऑफ, बात तो वही है ना, वो एम स्क्वायर वहां भी आया था, नहीं बात समझ में आई, क्या यहाँ से भी लिख सकते हैं हम, एम एल को क्या लिखा था हमने एल आई बाय में एल ओ इक्वल्स टू यहाँ से एम स्क्वायर आया, तो लेंथ भी कितना टाइम्स आ गई एम स्क्वायर टाइम्स आ गई, क्या एम एल इक्वल्स टू, नहीं बेटे आप देखो इसको कुछ बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हमने क्या बोला था एम, ये कौन था एम एल, तो कुछ लोग इसको एम ए को एम एल इंटू एम टी भी लिखते हैं, मीनिंग ये कौन सा मैग्निफिकेशन है लीनियर ट्रांसवर्स, इसको मैंने एम टी लिखा, ये कौन सा मैग्निफिकेशन है लॉन्गिट्यूडनल, इसको मैंने एम एल लिखा, तो एरियल मैग्निफिकेशन
ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का प्रोडक्ट होता है। क्या आना चाहिए ML, इसकी वैल्यू करें तो लेकिन वो किसके बराबर आएगा बेटे, वो भी आ जाएगा एम ए इक्वल्स टू एम क्यूब, एम ए इक्वल्स टू एम क्यूब आया, एम टी कितना था एम, एम एल कितना आया एम स्क्वायर, सो दैट इज एम ए इक्वल्स टू एम क्यूब आना चाहिए। फिर हमारा यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम डायरेक्ट, इक्वल्स टू एम टी इंटू एम एल, आपने एम टी को एम भरा था, एम एल को क्या भरा था एम स्क्वायर, तो दैट इज एम क्यूब, उसका क्यूब करोगे तो एरियल मैग्निफिकेशन आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ एरिया की टर्म में लिख रहा हूँ, एरिया की टर्म में कितना आ रहा है, एरिया ऑफ इमेज बाय में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एम स्क्वायर आ रहा है, यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है फिर, हाँ रिलेशन हमारा ये है। अभी जो मैग्निफिकेशन पढ़ी हमने, एम को पढ़ रहे हैं माइनस वी बाय यू, हाँ या ना, एम का वैल्यू क्या है माइनस वी बाय यू, v की वैल्यू बोलना क्या थी, अरे आवाज नहीं, v की वैल्यू यू एफ बाय यू माइनस एफ, यू की वैल्यू वी एफ बाय में v माइनस एफ, क्या बातें कर रहे हैं यार, वी एफ बाय में v माइनस एफ, डू वन थिंग, एक बार v की वैल्यू भरो एक बार u की वैल्यू भरो, आंसर बताओ कितना आएगा, m इक्वल्स टू, जल्दी करके दिखाओ, m इक्वल्स टू माइनस v बाय u f माइनस u, एक बार तो ये आएगा और दूसरा m इक्वल्स टू f माइनस v बाय f, ये आएगा तुम्हारे सामने डायरेक्ट, कितने फॉर्मूले लिखे हमने, पांच, u का v का f का भी आया था यू वी बाय में u प्लस v और ये f बाय f माइनस u f माइनस v बाय f, क्लियर है बात, इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर वन, कनकेव मिरर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, खेलो, आवाज नहीं आनी चाहिए अब की बार, बहुत ज्यादा आवाज आ रही तेरी, एफ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहां रखा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 mm का, फाइंड नेचर साइज एंड पोजिशन ऑफ इमेज, एंड पोजिशन ऑफ इमेज, आंसर आने चाहिए जल्दी जल्दी, बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, ये भी मैं बताऊं, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर 2 mm 2 mm 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, आंसर सेंटीमीटर में बता सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इस वाले केस में बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फाइंड आउट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सो दैट 3 times मैग्निफाइड इमेजेस फॉर्म।
इसका फोकल लेंथ एफ है और ये एफ बाय फोर लेंथ का रखा है यहाँ पे। इसका इमेज बताना है, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। जल्दी करिए, टाइम दो भाई इनको फटाफट। कनकेव मिरर फोकल लेंथ कैसे लेते हैं, इमेज बतानी है, वी इक्वल्स टू यू एफ बाय में यू माइनस, डायरेक्ट यू एफ बाय यू माइनस है, यू कितना लें, माइनस 15 माइनस 10 बाय में यू माइनस 15, क्या प्लस 10 हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये 150 डिवाइडेड बाय माइनस 5, तो माइनस 30। वी की वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस में आ रही है, कैसी इमेज है ये, रियल, तो ये रियल इमेज बन गई। उसके बाद क्या बताना था, m, m कैसे बताओगे, m इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू, सही है, माइनस वी कितना आया, माइनस 30 आ गए, u कितना था, हाँ जी, अरे माइनस, तो माइनस वी बाय में v कितना था, ये माइनस 30 और u कितना है, तो 2 आ गया ना ये, m इक्वल्स टू, क्लियर है बात। चलिए पहले वाले में m आ रहा है माइनस 2, डन। अच्छा हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी, 4 mm, कितनी आएगी, m इक्वल्स टू एच आई बाय एच ओ, यहां से हाइट ऑफ इमेज आ रही है 4 mm, डबल आ गई ना, दैट इज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ कैसी लेनी है, फोकल लेंथ पॉजिटिव 10, यू कितना है, माइनस 10, निकालना क्या है, वी, तो कितना आ गया, यू एफ बाय में यू माइनस एफ, यू कितना है, माइनस 10, फोकल लेंथ कितनी है, 10 माइनस यू माइनस एफ, माइनस 10 माइनस 10 कितना आ गया, ये 100 बाय में माइनस 20 कितना आ गया, ये 5, तो वी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। कैसी है, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो रियल में नेगेटिव, वर्चुअल में, तो यानी कि ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। अगेन m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू एच आई बाय एच ओ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें, ऑब्जेक्ट यहाँ है, बोलो u कितना है, कितना आ रहा है, पहले v बताओ, यू एफ बाय में यू माइनस एफ कितना आंसर आया है, 30, प्लस का कि माइनस का, जिधर जाए काम की रेज उधर सब पॉजिटिव, कितना लिया है 15, ये कितना है, फोकल लेंथ भी 10 डिवाइडेड बाय यू कितना है, 15 माइनस 10 कितना आ गया, ये 150 डिवाइडेड बाय 5, तो 30 आ रहा है, 30 सेंटीमीटर। m कैसा आएगा, m इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू, सोल्व कर लो, क्या होना चाहिए, यहाँ बेटा इसने ये ऑब्जेक्ट लिया है, अभी जैसे इसने एक एक बीच में डायग्राम दिया कोई भी, जैसे मान लो ये किसी की इमेज होगी, वो इसके लिए किसका काम कर रही होगी, ऑब्जेक्ट का, तो इस तरीके से डायग्राम दिए, ये रेज कहीं से भी आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, 50 फटाफट कितना आया हर्षित इसका आंसर, हाँ जी माइनस 20/3, बस आवाज नहीं, क्वेश्चन बताओ आंसर। दो केसेस बनेंगे इसमें बेटा, ये कैसा मिरर है, ये कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में इमेज रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, बोलो रियल इमेज में बताओ, रियल इमेज में m कैसा होता है, m कितना दिया है, तो ये m एक बार आप प्लस 3 लोगे और एक बार m माइनस 3 लोगे, दोनों से सोल्व करके निकालो। रीजन, इस पूरी स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि रियल इमेज बनेगी कि वर्चुअल, लिखा गया बताओ, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस सो दैट 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। इसका मतलब
वो मैग्नीफाइड इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैग्नीफाइड बनती है वर्चुअल, क्यों नहीं बनती? सिक्स केस में बड़ी बनती है इमेज, पी एंड एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हो तो मैग्नीफाइड बनती है। इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज कैन बी ऑफ वर्चुअल, और ये भी क्या है, ये रियल भी हो सकता है वर्चुअल भी हो सकता है, ये रियल है ये वर्चुअल है। आंसर बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आएगी जल्दी फटाफट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है इसने भाई, एम इक्वल्स टू, अरे क्या निकालना है, यू यू कहाँ है, ये रहा, तो एम का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, एम इक्वल्स टू एफ बाय में एफ माइनस यू, निकालो दोनों में, एक में माइनस 20 बाय 3 माइनस 40 बाय 3 है ना, एक में माइनस 40 बाय 3 एक में 20 बाय 3, तो माइनस 3 में आ रही है माइनस 40 बाय 3, हियर यू इज माइनस 40 बाय 3, यहां से यू कितना आ रहा है माइनस 20 बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये वाला, यहाँ कौन सा मैग्निफिकेशन दिखेगा, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज करो सॉल्व, इसमें ये वाला एंड कहाँ है, सी पे, इसका मतलब इसकी इमेज तो सी पे बनेगी, अगर मैं इसकी इमेज बनाना चाहूँ तो ये ऐसे पलट नहीं जाएगा क्या, ये लो ये सी मान लो यहाँ था, ये कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, बात समझ में आई, देखो जो सी पे एंड था ये तो यही है अभी भी, उल्टा बना सेम साइज बना लेकिन ये पलट गया, बड़ा बनेगा थोड़ा सा, ऐसा हो सकता है, ऐसा डायग्राम बन सकता है, बन सकता है ना, ये देखो अगर ये वाला एंड सी पे है तो क्या ये सी और एफ के बीच में हो सकता है कहीं, भाई ये वाला एंड कहाँ है, सी से आगे, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सी से पीछे बनती है तो बड़ी बनती है, तो ये वाला एंड पीछे चला गया, मुझे बताओ ये सी कहाँ होता है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, बोलो यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 2f, ये कितना है, तो ये कितना बचा, इसका मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट मानूं तो क्या इस ऑब्जेक्ट की दूरी आ गई, तो 2f माइनस f बाय 4 कितना बन गया, ये 7f बाय 4, क्या ये u की वैल्यू नहीं आ गई, बोलो ये कहाँ बन रही है, यहाँ पे, ये मुझे पता नहीं कहाँ बनी है, ये कहाँ था इतना 2f, अब इसको देख रहे हैं एक बार, इसकी इमेज कहाँ आई है, देखें बोलो यू कितना आया 7f बाय 4, कितना ले लूँ माइनस 7f बाय 4, अब वी देखना है, उसके लिए फोकल लेंथ कितनी है, कनकेव है कि कन्वेक्स, तो ये तो माइनस एफ लेनी है, फोकल लेंथ कितनी लेनी है माइनस एफ, डन। वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू एफ बाय में यू माइनस एफ, कोई प्रॉब्लम, ये मैं किसके लिए इमेज बना रहा हूँ, कौन से एंड के लिए, इस आगे वाले के लिए, सी वाले की इमेज तो कहाँ बननी है, सी पे ही बननी है, ये तो हो गया खत्म, लेकिन ये तो पलट के पीछे जाएगा इन्वर्टेड इमेज, बोलो कितना आया, यू कितना है माइनस 7f बाय 4 इंटू माइनस f बाय माइनस 7f बाय 4 प्लस f हो जाएगा, ये सही है, सॉल्व किया तो 4 से 4 तो वैसे ही कैंसिल होना है, कितना बन गया ये माइनस 7f बाय 3 बन गया, आई थिंक ये प्लस 4 है ना बेटे, माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3, ऊपर माइनस 7f ये प्लस हो गया, तो ये नीचे वाले का माइनस माइनस 7f बाय 3। बोलो ये इमेज की दूरी कहाँ से आई है, पोल से, ये था पोल, यानी कि इसकी इमेज, इस वाले एज की इमेज कहाँ बन गई, यहाँ बन गई, कितनी दूर बनी 7f बाय 3, क्या 7f बाय 3 में से 2f माइनस कर दूँ तो इसकी लेंथ नहीं आ जाएगी, ये किसकी लेंथ है, इमेज की, और ये किसकी है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, बताओ लेंथ ऑफ इमेज कितनी आएगी, 7f बाय 3 में से माइनस 2f माइनस किया, कितना आ गया ये f बाय 3 आ गया, तो ये लेंथ ऑफ इमेज आ गई, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहा। m का फॉर्मूला क्या होता था, सोल्व करना कितना आएगा, m का फॉर्मूला माइनस में लेते थे ना, माइनस एल आई बाय एल ओ, एल आई कितना है f बाय 3, f बाय 3 माइनस कितना है f बाय 4, कितना आ गया माइनस 4 बाय 3,
ये आ गया आंसर। इसमें किसी को डाउट बेटे? एल आई बाय एल ओ डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं लेना, माइनस लेते हैं, माइनस डी वी बाय डी यू याद कर, माइनस एल आई बाय एल ओ। देखो इधर सुनो एक बार, अभी इस क्वेश्चन में तुम्हारा काम कम हुआ, कैसे? एक एज सी पे थी तो सी पे इमेज बन गई, क्या ये जो काम मैंने इस एज के लिए किया ये काम उस एज के लिए भी करना पड़ सकता था? यस, यानी कि दो ऑब्जेक्ट दो इमेज, पहले इसको ऑब्जेक्ट मानो इसकी इमेज बना लो, इसको ऑब्जेक्ट मानो इसकी इमेज बना लो। और आपको याद होगा ML का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, वी टू माइनस वी वन बाय में यू टू माइनस यू वन, मोड लगा दिया था, आंसर ML आ गया था। बात समझ में आई? तो ये मैग्निफिकेशन इतनी आ जाती थी। क्लियर हो गई बात? नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? इन्वर्टेड इमेज। एम की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो कैसी इमेज बन रही है? इन्वर्टेड। हल्के हल्के साइन कन्वेंशन लगाने आए बेटे, नेगेटिव इसलिए आया, इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना। एम क्या होता है? एम क्या होता है? एम